जय दोस्तों, अनिल सराठी यूट्यूब चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल गई दोस्तों, 19 के सेकेंड ईयर का रिजल्ट आउट कर दिया गया है। आप ये देखिएगा, 19 के कैंडिडेट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इनका रोल नंबर है। यहाँ पे देखिएगा तो सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है ये आपको देखने को मिला, ये 19 सेकेंड ईयर का रिजल्ट आउट हो गया है। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका रिजल्ट आया कि नहीं अभी तक, ठीक है। सेकेंड ईयर का 19-21 का हमको देखने को मिल गया। आप नीचे कमेंट करके बताइए 2018-20 का आया कि नहीं रिजल्ट, ठीक है। और उसका भी हम अलग से वीडियो बना देंगे, उसका रिजल्ट चेकआउट करके बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे ही, और आप हमका अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका रिजल्ट आया कि नहीं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आपको क्या करना है उस पर आना है। और यह आप अनिल सराठी वेबसाइट पर भी जाइए, अनिल सर आईटी सर्च कीजिएगा गूगल पे। यहाँ पर आईटी एक अपडेट नाम का सेक्शन है, यहाँ पर आईटी अपडेट जब पे जाएगा तो यहाँ पे अपडेट आपको मिलते रहता है, ठीक है। यहाँ पे आईटी अपडेट है, वैसे एनसीबीटी पोर्टल पे भी जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आईटी अपडेट पर जाएगा, यहाँ पे आईटीआई का रिजल्ट आपको देखने को मिला। यहाँ पे एनसीबीटी रिजल्ट का लिंक मिलेगा, और यहाँ से आप आसानी से आ सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आ जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है एनसीबीटी का MIS, इसको ओपन करिएगा। ओपन करने के जस्ट बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये वेबसाइट का लिंक, और यहाँ पर आपको आना है। और 19-21 का सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, इतना तो कन्फर्म है। और अपना रिजल्ट चेकआउट करके देखिए, क्योंकि और ये भी बता दें कि 100% तो आपका अभी नहीं आया होगा। बहुत से ऐसे जगह हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका रिजल्ट नहीं आया, तो नीचे कमेंट करके बताइए कि अपना राज्य बताइए ताकि आपको देख के बता सकें। वेरिफिकेशन पे क्लिक करेगा, मार्कशीट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेगा, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर इंटर करेगा, और यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं सीधे, यहाँ पे पेस्ट किए, और देखिए ये पेस्ट करने हम यहाँ पे एग्जाम सिस्टम एनुअल चूज कर लेते हैं, ईयर पे सेकेंड ईयर चूज करते हैं, और ये सर्च बटन पे क्लिक कर दिए। सर्च जैसे ही करते हैं अपने आप रिफ्रेश हो के आएगा। यहाँ पे देखिए दिखाई देगा 19-21 का रोल नंबर, सेकेंड ईयर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे रिजल्ट जो है पास आउट दिखाई दे रहा है पास आउट। और ये 19-21 सेकेंड ईयर का दिखेगा, गवर्नमेंट ITI कैंडिडेट है। और अपना नीचे कमेंट कर रहे थे कि आपका रिजल्ट आया कि नहीं। मार्क्स देखे तो मार्क्स भी बहुत ही बेहतरीन मार्क्स मिला है। देखिए 100 में 96 नंबर लाए हैं, 50 में 46 नंबर लाए हैं, 50 में 32 लाए हैं, 50 में 46 नंबर लाए हैं, 250 में 241 नंबर मिला है इनको। और यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल में नंबर कम आ गया है, यहाँ पे नंबर 194 नंबर है। ये क्या है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, बहुत ही गलत किया गया। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट इतना कम नहीं दिया था, 250 में 194 नंबर आया है, तो यहाँ पे इनका कम आया हुआ है। बाकी इनका जो रिजल्ट है 655 नंबर आया है 750 में, तो बहुत ही अच्छा खासा नंबर है। आप अपना चेकआउट कर लीजिए कि आपको कितना नंबर मिला है। ये 750 ये नंबर कैसे हो सकता है, 700 नंबर का होता है ना, यहाँ पे 700 नंबर का होना चाहिए। यहाँ भी कुछ गड़बड़ी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन आ चुका है, अभी एक्सेप्ट मत करिएगा, हम एक और वीडियो बना के बताएंगे। यहाँ पे देखिए रिजल्ट जो होना चाहिए 700 नंबर का होता है, यहाँ पर 750 नंबर कैसे आया ये थोड़ा गलत दिख रहा है हमको, ठीक है। अभी अभी हम देखे हैं, अभी जस्ट वीडियो बनाते हुए देख रहे हैं कि यहाँ पे 750, यहाँ 250, ये गलत दिख रहा है। यहाँ पर फिर से त्रुटियाँ कुछ आई हुई है, यहाँ से 655 नंबर है, और यहाँ पे आपका 700 नंबर का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 750 का दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। आपको ये सुधार कर देगी DGT, थोड़ा समय लेगी। और आपको लगता है कि रिजल्ट में कोई त्रुटि है तो आप रेस एग्रीवेंस कर सकते हैं। रेस एग्रीवेंस मतलब आपको कंप्लेंट करने का एक मौका मिल जाएगा, लेकिन कंप्लेंट करने पहले आप समझ लीजिएगा आपका 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना तक का आपका रिजल्ट मार्कशीट सब पेंडिंग हो सकता है। कहता है कि हम 30 दिन के अंदर आपको दे देंगे, लेकिन अभी तक इस पिछले बार जो अगस्त में ही कुछ बच्चों ने ग्रीवेंस किया था उसका अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, तो आपका भी हो सकता है। तो ग्रीवेंस करने पहले थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, सोच समझ लीजिएगा, ठीक है, अगर किसी अकाउंट का है तो। और एक और बात बता दें आपको, यहाँ पे ग्रेस मार्क के बारे में, ग्रेस मार्क आपको मिलेगा कि नहीं। यहाँ पे ग्रेस मार्क नहीं मिलने वाला किसी भी अकाउंट को, चाहे 1 नंबर से फेल हो या 2 नंबर से, कोई भी अकाउंट फेल होते हैं यहाँ पे किसी प्रकार का ग्रेस मार्क नहीं मिलने वाला है। अगर आपका रिजल्ट सही लगता है तो एक्सेप्ट करेगा, और अभी एक्सेप्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम आपको बता देंगे वीडियो बना के तब एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अभी रिजल्ट में कुछ त्रुटियां जरूर होंगी। हमको पूरा यकीन है, जब भी DGT रिजल्ट जारी करता है किसी ना किसी का रिजल्ट छोड़ देता है, किसी ना किसी का रिजल्ट जो होता है गड़बड़ आता है, तो अपना चेकआउट कर लिए रिजल्ट बढ़िया से। यहाँ पे 750 मुझे बहुत ही कम ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 750, क्योंकि देखिए फर्स्ट ईयर में 700 का एग्जाम हुआ और यहाँ 750 का नहीं होता, टोटल 1400 नंबर का एग्जाम होता है। तो यहाँ पर भी देखिएगा तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, ठीक है। 250 नंबर का नहीं, 200 नंबर का फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, तो यहाँ पे 250 नंबर
नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है, तो रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा, 655 नंबर आ जाएगा 700 में। ठीक है, एक बार चेकआउट कर लीजिए अपना रिजल्ट अच्छे से, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, और हम भी आपको एक स्पेशल वीडियो बना के बता दें कि ये कैसे ठीक होगा और एक इसको कैसे हम सुधार करा सकते हैं। ठीक है, यह आपका सही कितना है विथ प्रूफ के साथ आप हमको बता देंगे। आप भी नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा कि, और अपना रिजल्ट जरूर बताइए कि आपका रिजल्ट आया कि नहीं। और ये दिमाग में कभी मत रखिए कि हम गलत दिखा रहे हैं और आपका जो रिजल्ट नहीं आया तो मतलब किसी का नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 19-21 का सेकेंड ईयर का ही रिजल्ट दिखा रहा है और अभी तक 19-21 का किसी का सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, अभी आज आ जाया है तो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर आपका नहीं आया तो नीचे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपका राज्य कौन सा, भी क्या भी आपका बिहार है, आपका बिहार का नहीं आया है या अदर स्टेट के हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम वहाँ के वहाँ से बात करके आपको कंफर्म करा देंगे। ठीक है, नीचे कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हम सारे अपडेट्स आपको बता दे देंगे। ठीक है, और अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में फेल होता है, बहुत सारे बच्चे हो भी सकते हैं, हम तो चाहते नहीं किसी का, लेकिन किसी कहाँ से कोई फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा और ग्रेस मार्क आपको नहीं मिलने वाला। ग्रेस मार्क 2018 के सेशन तक मिला था, 6 नंबर तक आपको मिला था ग्रेस मार्किंग, लेकिन अब ग्रेस मार्क बंद हो चुका है। ठीक है, ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा, 1 नंबर से भी कम रहेगा तब पर भी। अगर आप ड्राइंग और प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं तो 8 मार्च से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है ड्राइंग और प्रैक्टिकल का, उसके एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। अगर आप थ्योरी इम्प्लॉयटर स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन में फेल होते हैं तो आपकी जो परीक्षा होगी आपको 12 तारीख से बाद आपको देखने को मिलेगी, 31 मार्च के पहले आपको वो भी एग्ज़ाम क्लियर करा दिया जाएगा, ऐसा DGT ने वादा किया है और 100% गारंटी नहीं कि वो कराएगी कि नहीं कराएगी। ठीक है, और अभी बस चेकआउट कर लिए रिजल्ट को, चेकआउट करके नीचे कमेंट करके बताइए, बाकी इसके अलावा भी कुछ मत करिए, ना ग्रीवेंस करिए ना ही रिजल्ट को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, बस चेकआउट कर लीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए, और इसको 655 को 700 से कैलकुलेट करके देखिए कितना परसेंट आपका आ रहा है। ठीक है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और 750 भी कैलकुलेट करके रखिए। ठीक है, हम आगे आपको वीडियो में बताते रहेंगे क्या इसकी क्या आगे क्या है प्रोसेस है और ये कितना 750 होगा या 700 होगा कन्फर्म करके आपका सारी जानकारी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बटन आता है सब्सक्राइब का, रेड बटन होता है, नहीं किया तो कर लीजिए दोस्त, इतने सारे अपडेट्स आपको देते रहते हैं ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते ही रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।